ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀ ਚੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਲਸੋਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਜਿੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 8000 ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਤਹਿਸ ਤਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। सरकार क्या हमें झुग्गी चाहिए तब यहाँ से जाएंगे हम? मकान होना चाहिए, हमें मकान चाहिए, झुग्गी नहीं चाहिए, हमें मकान चाहिए। अब यहाँ पर झुग्गियाँ बहुत ही आधे सर्वे हो गए, आधा बाकी रह गया, भाग गए थे सारे सर्वे करने वाले थे, नोटिस भी नहीं दिए थे। यहाँ पर आधी कॉलोनी में जो बंदे आए थे सर्वे करने, आधी आधी जगह जगह करके बीच बीच में छोड़ छोड़ के भाग गए, बाकी हम लोगों के बाकी छूट गए। यहाँ पर कॉलोनियों में पूरी पूरी इधर सारी लाइन छूट गई, आधे आधे यहाँ बीच बीच में करके उनके कमरे करके उनके बीच में छोड़ छोड़ के भाग गए। कोई नोटिस आया था? कुछ भी नहीं आया, नोटिस नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया। हम तो अभी गांव से आए हैं, मेरी लड़की की शादी थी, मेरा सारा सामान दब गया इसी में, नोटिस मिलती अपने गाँव से नहीं आ जाते हैं। मेरी लड़की की शादी करके मैं भी आई हूँ, मेरा सारा सामान दब गया। बताओ, सारा सामान भी तुम्हारे सामने पड़ा है जमीन पे, बच्चे भी कल से तुम खाना भी नहीं खाए, भूखे प्यासे ऐसे लगे हुए हैं सामान में। यहाँ पे कम से कम 1500 झुग्गी तो है ही है कम से कम, और 200-250 कोई मिला है मकान, बाकी तो सब ऐसे ही है, लोग बहुत बहुत पुराने प्रूफ है सबके पास। तो बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन वो सब कल कल काटा हुआ, हाँ दिया हुआ था, वो तो दिया हुआ था सारा। बोट बनी हुई है? बोट सबकी बनी हुई है, सबकी बनी हुई है, बोट पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी है।